दोस्तों कहते हैं ईश्वर की कृपा हो जाए तो दिन खुद ब खुद बदल जाते हैं। ऐसा ही हुआ है सीहोर वाले पंडित प्रदीप मिश्रा जी के साथ। पंडित प्रदीप मिश्रा जी के जन्म के समय परिवार के पास अस्पताल में दवाई लेने के पैसे तक नहीं थे। चने के ठेले से इनके परिवार का गुजारा होता था। वे कभी साइकिल से सफर किया करते थे, लेकिन आज लग्जरी कार से सफर करते हैं। आज उनका बहुत बड़ा कुमरेश्वर धाम बना है। अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को लेकर खुद पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने मीडिया को दिए इंटरव्यू में बताया है। उन्होंने बड़े होकर इंदौर में गुरु दीक्षा ली और गुरु ने आशीर्वाद दिया था कि कभी तुम्हारा पांडाल खाली नहीं रहेगा। और आज भी उनकी कथाओं में देखा जाता है कि उनका पांडाल कभी खाली नहीं रहता है। गुरु के आशीर्वाद से आज पंडित श्री प्रदीप मिश्रा जी की प्रसिद्धि चारों तरफ फैली हुई है। पंडित श्री प्रदीप मिश्रा जी शिव भक्त हैं, तो दोस्तों कब किसकी किस्मत कैसे बदल जाए कुछ पता नहीं चलता। इसलिए हमें कर्म करते रहना चाहिए, बल्कि फल की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।